दोस्तों मैं आज आपके साथ गुड डेट वर्सेस बैड डेट के बारे में बात करूंगा कि लोन का पैसा अच्छा कौन सा साबित होता है और बुरा कौन सा साबित होता है। जैसे मैंने डायग्राम बनाया है उसमें मैंने ये गुड डेट में लिखा है एजुकेशन का लोन है जो पढ़ाई लिखाई के लिए आप डिग्री लेते हो उसके बाद आपको अच्छा पैकेज मिल जाता है। अदर पीपल्स मनी कैसे काम करता है अब ये रियल स्टेट में लगता है। यदि आप स्टॉक मार्केट का भी दिखाया हो स्टॉक मार्केट में जो बैंक है लोन नहीं देता लेकिन यदि हम रियल स्टेट का काम करते हैं रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बैंक भी हमें लोन देता है। तो ऐसा जो लोन है वो आपके लिए कहाँ बुरा हो सकता है? बिल्कुल बुरा नहीं। तो आपने देखना ये है कि लोन का जो पैसा है उसको हमने यूज कैसे कर। एक कहावत है मनी इज एक्सीलेंट सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। यदि तो हमें पैसे को नौकर बनाना आ गया पैसे से काम लेना आ गया तो डेफिनेटली हम अपनी जिंदगी में उन्नति करेंगे तरक्की करेंगे प्रोग्रेस करेंगे। तो यदि नहीं हमें यूज नहीं करना आता हमने वो पैसा लेके कहीं उलट पुलट जगह पे लग गया हमारा इमोशनल डिसीजन लेने जो चीजें हमें नहीं भी चाहिए वो चीजें हमने लेनी शुरू कर दी तो एक दिन ऐसा आता है कि जो चीजें हमें जरूरी तौर पर चाहिए होती हैं वो चीजें भी हमारी बिकनी शुरू हो जाती हैं। आपके पास पैसा है तो बहुत बढ़िया। यदि आपके पास पैसा नहीं भी है आप लोन ले रहे हो तो यह बात ध्यान रखनी है कि लोन का पैसा कहाँ लगाना है। मैंने आपके पास किसी दोस्त का पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हो रियल स्टेट में लगा सकते हो कहीं और लगा सकते हो जहां पर आपको उसकी अच्छी रिटर्न में। बैड डेट में जो लोग लेते हैं मैरिज लोन ले लिया मैरिज लोन ने यार क्या देना आपको मैरिज लोन ले लिया उसके बाद मैरिज होगी मैरिज के बाद फिर खर्चे बढ़ जाने हैं ऊपर से जो कर्जा लिया वो कर्जा फिर बढ़ जाए आपको टेंशन आएगी। बड़ी गाड़ी ले ली तो इसमें भी यही प्रॉब्लम है। बड़ी गाड़ी में बैंक का जो हम लोन लेते हैं प्राइवेट भी लोन करते हैं जैसे बजाज फाइनेंस हो रहा है तो उनका ब्याज के साथ अमाउंट बढ़ती है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि जब आप पैसा ले रहे हो उसको कहाँ लगाना है। कोई शौक पालने के लिए घोड़ा ले लिया महंगे महंगे कुत्ते हैं चंडीगढ़ में हमने देखा है वो कुत्ते लेके रख लेते हैं जो पैसा आया उसके मतलब शौक पूरा करने के लिए इमोशनल डिसीजन है कि हम कुत्ता पालना है या घोड़ा पालना है। मेरा एक रिश्तेदार था अच्छा पैसा कमाने लग गया तो उसने घोड़े ले लिए उसने दो तीन कुत्ते भी रख लिए आज वो बिल्कुल जीरो हो गया अब कुत्तों ने उसको रखा हुआ ये पोजीशन बन गई। तो भाई जब भी कोई डिसीजन लेना है ये इमोशनल डिसीजन लेके नहीं ये फाइनेंशियल एजुकेशन है यार ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। स्कूलों में सब कुछ पढ़ाया जाता है हिस्ट्री पढ़ाई जाती है ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है अर्थमेटिक पढ़ाया जाता है अलजेब्रा पढ़ाया जाता है लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना होने की वजह से कितने कितने बड़े स्टार जिसमें हमारा सतीश कौल जी आते हैं जिन्होंने पंजाबी की 300 फिल्मों में काम किया एके हंगल साहब हिंदी फिल्म के स्टार प्रवीण बॉबी ये पता नहीं कितने हैं जिन्होंने अपनी जवानी में बहुत ज्यादा पैसा कमाया लेकिन पैसे को अच्छे तरीके से काम पे नहीं लगा सके। यदि वो काम पे लगाया होता तो उनकी जो बुढ़ापे में हालत हुई वो बुरी हालत हुई तो वो ना। कई लोग अपने जब पैसा आ जाता है उनके पास चाहे जमीनों का ही पैसा आए वो अपने बड़े बड़े घर बनाने शुरू कर देते हैं। चंडीगढ़ के मोहाली के आसपास लोगों को जमीनों के करोड़ों रुपए मिले और करोड़ों रुपए लोगों ने घरों पर लगा दिए। घरों पे लगाने का मतलब यह है जहां जमीन से आपको पैसा आता था वो तो इनकम आपकी बंद होगी लेकिन जो घरों की मेंटेनेंस वगैरह शुरू होगी उसके बिना हम क्रेडिट कार्ड की बात करें कार्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट सुन के आप हैरान हो जाओगे 30% से ज्यादा पड़ता है। हमें लगता है ना कुछ कोई बात नहीं जी हम इतना इतना पैसा भर देते तो आप भरते भरते थक जाओगे 2.5% 3% के हिसाब से ब्याज पड़ता है। और ये जो लोन है क्रेडिट कार्ड का जो लोन आप यूज कर लेते हो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये गुड डेट की कैटेगरी में है। तो हमें 24 घंटे जब भी हमारे पास कोई पैसा आता है चाहे अपना है चाहे हम कहीं लोन उठा रहे हैं तो हमने उसका यूज कैसे करना है इसके ऊपर ध्यान देना। किसी एक्सपर्ट के पास चले जाते जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है जो फाइनेंस का काम करता है जो आपको अच्छी सलाह दे सकता है उससे सलाह लेके कहीं वो पैसा यूज कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोन ट्रैप पे फंस के फिर आपको डिप्रेशन हो जाए डिप्रेशन के बाद लोग सुसाइड कर लेते हैं कोई और पंगे लेते हैं। तो उससे बचने के लिए ये एक ही फार्मूला है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली अवेयर करो। जितना भी आप फाइनेंशियली अवेयर करोगे आर्थिक तौर पर अपने आप को मजबूत करोगे उतना ही आप बढ़िया रहोगे। क्योंकि जिस बंदे के पास पहले पैसा है और उसके बाद उसका पैसा खत्म हो जाता है और वो बंदा धनवान से निर्धन हो जाता है
तो मैं निर्धन को निधन का शब्द ही मैंने अपनी किताब में लिखा। मेरा वीडियो का यही आपको संदेश है, मेरा यही संदेश है कि कोई भी जब भी पैसा आपके पास आता है, चाहे आपका है, चाहे आप बैंक से उठा रहे हो, चाहे अपने दोस्तों से उठा रहे हो, तो उसको कैसे यूज करना है, गुड डेट में कन्वर्ट करना है या बैड डेट में कन्वर्ट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपकी समझ यदि नहीं प्रॉपर तो आपने सलाह जरूर लेनी है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, इस टॉपिक पर, मेरी वीडियो के टॉपिक पर चर्चा भी करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना, ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो जो फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर है आपसे मिस ना हो जाए। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होगा, तब तक आप ध्यान रखें, पढ़ेंगे हम तभी तो आगे बढ़ेंगे हम, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू वेरी मच।